आयुर्वेद के अनुसार ये माना जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति उम्र भर निरोग और स्वस्थ रहता है। अलग अलग खाए जाने वाली चीजों से हमारे बॉडी को अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हर खाए जाने वाली वस्तु हमारे शरीर पे अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभाव डालती है। ऐसे में दो अलग अलग चीजें जिसकी स्वभाव और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे से विपरीत हो, यानी कि अलग हो, अगर उन्हें एक साथ या फिर एक के बाद एक मिलाकर साथ में खा लिया जाए तो उसकी वजह से हमें कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। और कुछ चीजें एक दूसरे के इतना विरोध होते हैं जिनका सेवन करने से हमारी बॉडी में ऐसी बीमारियां होती है जो कि जल्दी खत्म ही नहीं होती। आयुर्वेद में इन्हीं सब चीजों को विरोध आहार कहा जाता है। चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड खाना, दूध के साथ केला या सलाद के साथ टमाटर और खीरे को एक साथ सेवन करना, इस तरह के कई आम और रोजाना खाए जाने वाली चीजें विरोध आहार के श्रेणी में आती है। और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे बॉडी में हो रही छोटी से छोटी आम समस्या, चाहे वो बाल का झड़ना हो या त्वचा का खराब होना, दिन भर आलस या थकान आना या पेट का खराब हो जाना, आजकल ज्यादा से ज्यादा बीमारियां विरोध आहार के वजह से ही आ रही है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे चीजों के बारे में जिसे आपको साथ में गलती से भी नहीं खाना चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारी जो सबसे पहली चीज है वो है दूध और दूध से बनी चीजें। देखिए, दूध एक एनिमल प्रोटीन है, यानी कि ये उन चीजों में से एक है जो कि हमें किसी जानवर के जरिए प्राप्त होती है। और ऐसी सभी खाए जाने वाली चीजें जो कि हमें किसी जानवर से प्राप्त होती है, जैसे कि अंडा, मछली, मांस, दूध आदि के सेवन करते समय हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो सेहतमंद तो हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बहुत कम चीजों के साथ ही किया जा सकता है। दूध को कभी भी प्याज, केला, नमकीन, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, अनानास, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली और बैंगन, इन सभी चीजों के बाद में, पहले या फिर साथ में कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छी सेहत बनाने के लिए हमें दूध और केला एक साथ मिलाकर खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन जब ये दोनों चीजें साथ में मिलती है तो एक दूसरे को पचने से रोकती है, क्योंकि ये दोनों का पचने का समय अलग अलग है। इसीलिए लगातार इसका सेवन करने से हमारे बॉडी में खाना पचने की प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल जाती है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को कमजोर बनाती है। इसके अलावा कटहल, प्याज और खट्टे फलों को दूध का दुश्मन माना जाता है। प्याज और दूध अगर किसी तरह हमारे पेट में जाकर एक दूसरे से मिल जाती है तो इससे कई तरह के त्वचा रोग जैसे सोरायसिस, एक्जिमा, दाद, खाद, खुजली और शरीर पे सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। इसके अलावा दही के साथ मांस, मछली, केला, टमाटर और उड़द का दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ दही को किसी ठंडे फल के साथ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही में फलों को मिलाकर खाने से यह हमारे बॉडी में कफ की मात्रा को बढ़ाती है। उड़द की दाल और दही को एक साथ मिलाकर खाने से यह हमारी बॉडी की बीपी को बहुत तेजी से बढ़ा देती है, और इसीलिए जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उन्हें कभी भी दही बड़ा जैसे चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बियर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और शराब जैसे ड्रिंक के साथ ज्यादा नमकीन चीजें जैसे कि मूंगफली और चिप्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बियर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और शराब जैसे चीजों का सेवन करने से हमारी बॉडी की पानी बहुत तेजी से सूखती है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ऐसे में ज्यादा नमकीन दाने या फिर नमकीन चीजों का सेवन करने से हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा दुगनी रफ्तार से बढ़ती है, और जो कि और ज्यादा हमारी बॉडी के पानी को सुखा देती है। और यही वजह है कि इन सब पेय पदार्थों का सेवन करने के बाद बहुत से लोगों को घबराहट, चक्कर और उल्टी जैसी समस्या होने लगती है। इसके अलावा घी भी उन्हीं सब चीजों में से एक है जिसका सेवन करने से पहले हमें कुछ सावधानियों को बरतना चाहिए। घी को कभी भी तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घी का तांबे और पीतल के साथ मेल होने पर वो खराब हो जाती है। इसके अलावा घी और शहद को भी एक साथ मिलाकर कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलकर जहर के समान बन जाती है। इसके बाद सलाद में खाए जाने वाली कुछ साधारण चीजें भी गलत समय और गलत चीजों के साथ मिलाकर खाने से ये भी विरोध आहार बन जाती है। उदाहरण के तौर पे खीरा और टमाटर, ये दोनों ही चीजें सलाद के तौर पे खाए जाने वाली चीजें हैं, लेकिन हाल ही में किए गए एक रिसर्च से ये पता लगा कि खीरे में और टमाटर में पाए जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं
वो एक दूसरे के विरोध होते हैं। साथ में इन दोनों का पचने का समय भी अलग अलग होता है, और इसीलिए जब हम लोग इन दोनों चीजों को एक साथ ही खा लेते हैं तो हमारा पेट कंफ्यूज हो जाता है कि इसे पचाने के लिए कौन सा पाचक रस रिलीज करें, और जिसके वजह से भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है और भोजन पचने के बजाय सड़ने लगती है। कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों के मुकाबले मांसाहारी लोगों के शरीर में ज्यादा बीमारियां होती है, लेकिन केवल मांस आदि का सेवन करने से बीमारियां उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि जब इसे गलत समय या फिर गलत चीजों के साथ खा लिया जाता है तब यही बीमारी का रूप लेती है। मांस मछली के साथ दूध, दही, अंकुरित आहार, आलू और स्टार्च वाली चीजें हमें बिल्कुल भी साथ में नहीं खाना चाहिए। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि नॉनवेज के साथ आलू और मैदे से बनी चीजों को खाना पसंद करते हैं, और आजकल होटलों और रेस्टोरेंट में भी जितने भी रोटियां होती है, बर्गर होते हैं, ये सभी कुछ मैदे से ही बनाई जाती है, और आप में से अधिकांश लोग इसे नॉनवेज के साथ ही सेवन करते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को आपस में मिला देने से ये हमारे लिए हानिकारक बन जाती है, क्योंकि आलू और मैदे के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, और स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पेट में क्षारीयता की जरूरत पड़ती है, और वहीं दूसरी ओर मांस मछली और नॉनवेज को पचाने के लिए एसिटिक यानी कि अम्लीयता की जरूरत पड़ती है, और जब हम लोग इन दोनों को साथ में मिलाकर खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर अम्ल और क्षार दोनों पाचक रस एक साथ रिलीज नहीं हो पाते हैं, और जिसके वजह से हमारे भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है और वो भोजन सड़ने लगती है, और इसी से कब्ज, गैस और अपचन जैसी समस्या होने लगती है। इसके अलावा जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के साथ साथ या भोजन करने के बाद ठंडी चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम या बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय या कॉफी, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन का जितना भी पोषक तत्व होता है वो तो खत्म हो ही जाते हैं, साथ ही खाना ठीक तरीके से नहीं पचता है, और जब खाना ठीक तरीके से नहीं पचता है तो यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में 90% बीमारी हमारे पेट से ही शुरू होती है। इसके बाद आपको कभी भी चाय या कॉफी जैसे गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करने के बाद ठंडा या फल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको तुरंत ही सर्दी खांसी होने लग जाएगी। विरोध आहार के अलावा कई ऐसी चीजें भी होते हैं जिसे अकेले खाने से भी हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, और उन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।